ये सब एक रात शुरू हुआ। कुछ लड़के बाइक्स पर मेरी कार का पीछा कर रहे थे। अचानक मैंने कार का शीशा नीचे किया और उन पर चिल्लाई और वो घबरा कर भाग गए। ये शायद मेरी अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की वजह से हुआ। अगले ही दिन वर्सोवा बीच पर सिर्फ 4 लड़कियों के साथ मुक्का मार का जन्म हुआ। शुरू में पेरेंट्स बच्चियों को बाहर नहीं भेजते थे। क्यों भेजना है, क्या काम है, काय के लिए भेजे? और लड़कियां छुप छुप कर आती थी। सिर्फ 6 महीनों में अब 4 से बढ़कर 100 लड़कियां आने लगी थी। वो कॉम्पिटिशन में जाने लगे और हर बार जीतने भी लगे। उनकी ताकत ने हमें एक सपना दिखाया और मुक्का मार स्कूलों में पहुंच गया। जैसे जैसे मुक्का मार बढ़ रहा था, हम भी एक अच्छी और बड़ी टीम बनाने में जुट गए। मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मुझे स्पेशली लड़कियों को सिखाने मिलता है, ताकि लड़की अपने आप की रक्षा कर सके, रात गए या कभी भी कहीं भी आ जा सके, किसी से डरे ना। हमने महावारी जैसे मुश्किल टॉपिक्स की स्टेज पर चर्चा की और जिसे पहले गंदी चीज कहा जाता था, उसी टैलेंट और शक्ति को जब लड़कियों ने प्रेजेंट किया, तब सबने खूब तालियां बजाई। कान खुल के दुनिया सुन ले कि लड़कियों का टाइम आ गया है। तने चारों खाने चट कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव सबड़ के पेच पलट कर देगी। तो जितना ही मैं मतलब उसके अंदर इतना रहेगा, शक्ति रहेगा, लेकिन अचानक 4-5 महीने से हमारे साथ रहे, कभी हमें भी नहीं डर लगे कि हमारी बेटी पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव सबड़ के पेच पलट कर देगी, जित कर देगी, जित कर देगी। जब सुरक्षा का भार उठ जाता है, तभी लड़कियां अपनी असली उड़ान भर पाती हैं।